वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूँ शिलता। बारिश हो रही है बाहर तो उसकी थोड़ी आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना। मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी ज़ोर से मैं बोल पा रही हूँ उतनी ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मेरा वॉइस बहुत धीरे है, तो प्लीज़ आप हेडफोन यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो मेरा आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है फेस वॉश। फेस वॉश बोलते ही हमारे दिमाग में एक ही बात ख्याल में आता है कि हिमालय का फेस वॉश, मतलब ऑसम, मतलब हर्बल भी है और बहुत पुराना है, बिलीव करने के लिए बेस्ट है। हिमालय का नीम फेस वॉश के बारे में हम लोगों ने तो सुना ही है, बहुत अच्छा होता है। आज मैं लेकर आई हूँ केसर फेस वॉश, आप देख सकते हैं। फेस वॉश को मैंने बहुत दिन तक यूज़ किया है, 2-3 साल तक मैंने नीम का फेस वॉश यूज़ किया है हिमालय का। तो मैंने सोचा चलो केसर फेस वॉश यूज़ करके देखते हैं ये कैसा होता है। और इसमें लिखा भी हुआ है फेयरनेस इंस्टेंट ग्लो ब्राइटनेस एंड रिवील्स ग्लोइंग स्किन। डैट मीन्स ये नहीं है कि आप इसे यूज़ करते ही इंस्टेंटली ग्लो करने लगोगे या फिर इंस्टेंट फेयर हो जाओगे, ये नहीं है। ये जो हम एवरीडे कुकिंग करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, धूप लगती है तो हमारे जो टैन वगैरह हो जाते हैं, डर्ट पोल्यूशन की वजह से जो ब्लैकनेस एक काम करती है, इसके लिए ही मैं ऐसा कुछ अगर मिल गया मुझे तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि केसर हम लोगों को पता है हमारा स्किन को फेयर करने में बहुत बड़ा हाथ है केसर का, मतलब वो मदद करता है। अगर आप एवरीडे नाइट में रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अगर लेते हो तो आपका स्किन और भी फेयर होता है। तो केसर एवरीडे इंटेक करने से आपका स्किन बहुत फेयर होता है। ये मैंने बहुत, मैं जब छोटी थी तब से मैंने ये सुना हुआ है, तो मुझे फेस वॉश मिल गया तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना यूज़ करते हैं। तो मैंने एक महीना यूज़ किया। इसका टेक्सचर बहुत ही मॉइश्ट है, मतलब आपके स्किन को मॉइस्चर करता है। और इसे आप, मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। इसका कलर भी ना पूरा केसर की तरह ही है, इसका कलर भी पूरा केसर की तरह है, आप देख सकते हो। और एकदम स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा अच्छे से। मुझे फिर उठकर इसे धोना भी पड़ेगा, धो या फिर आप वेट वाइप से टैप कर लो तो पूरा अच्छे से स्किन के साथ मिक्स हो जाता है, मॉइस्चर है इसमें और बहुत अच्छे से आपके स्किन को एब्जॉर्ब भी कर, आपका स्किन इसे एब्जॉर्ब भी कर लेगा। नीम का फेस वॉश जो होता है वो थोड़ा जेल कंसिस्टेंसी में होता है, पर ये एकदम मॉइस्चर जो क्रीम आप लगाते हो अपने फेस में, जिसे आप इसे अप्लाई कर फिर वेट वाइप से आप वेट वाइप आउट कर लो या फिर अपने अच्छे से धो लो, ये आपके ऊपर है। तो बहुत अच्छे से आपके स्किन के साथ मिक्स हो जाएगा और आपके स्किन को एक अच्छा फेयरनेस लेगा देगा। मतलब फेस वॉश का जो काम होता है आपके स्किन को अच्छे से जो डर्ट पोल्यूशन है उसको निकाल कर देना, तो केसर हिमालय का केसर फेस वॉश वही काम करता है। और हर्बल है हिमालय का, जो भी आप यूज़ करो वो तो हर्बल है, हम सबको पता है। और सिंस 1930 से ये यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब हिमालय इतना पुराना एक ब्रांड है जो इसका हम कुछ भी शैम्पू ले लीजिए, कंडीशनर ले लीजिए, फेस वॉश ले लीजिए, क्रीम ले, मतलब मॉइस्चराइजर ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, हिमालय का हम बिलीव कर सकते हैं, आंखें बंद कर बिलीव कर सकते हैं। पर हाँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने इसे खुद ख़रीदा है और मैं उसी का रिव्यू आप लोगों को दे रही हूँ। एक महीना मैंने पूरा इसे यूज़ किया है, ये मेरा 100 ml का है, 120 हमें लिया था अमेज़ोन से, आपको ऑफर चलता रहता है, आप इसे और भी कम दाम में आपको मिल जाएगा, तो मुझे ये मिल गया था। तो मैंने एक महीने से भी ज़्यादा इसे यूज़ किया है, आप देख लो, पॉकेट फ्रेंडली है, अभी भी मेरा इतना है, ठीक है। तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत दिन तक आपका चलेगा ये, और आप इसे बिलीव कर सकते हो, मतलब एक फेस वॉश का जो काम होना चाहिए ये वही काम करता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और पसंद आए तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले सच में ऐसा कोई फेस वॉश है जो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो नए हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन के साथ करो, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करोगे तो जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आने वाले वीडियोज़ के वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना।